कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए आयुर्वेदिक विभाग के सहयोग से सेवा भारती ने हवा शुद्धि के लिए किया धूपन। मुख्य बाजार समेत शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरा धूपन वाहन। वायरस व बैक्टीरिया समाप्त करके आरोग्य प्रदान करता है धूपन। डा पारिक। जिला मुख्यालय नाहन में आज कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए आयुर्वेदिक विभाग के सहयोग से सेवा भारती संस्था ने शहर में धूपन किया। यह धूपन वाहन शहर के मुख्य बाजारों समेत अन्य हिस्सों से गुजरा। आयुर्वेदिक विभाग के विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सक डा प्रमोद पारिक ने कहा कि आज सेवा भारती ने हवा को शुद्ध करने के लिए धूपन किया है। उन्होंने कहा कि यह विधि हवा में फैले वायरस व बैक्टीरिया को समाप्त करने के बाद हवा को शुद्ध करती है, ऐसा आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस विधि को घरों में भी अपनाएं तो वायरस समेत अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है। डा प्रमोद पारिक, वरिष्ठ चिकित्सक आयुर्वेद विभाग नाहन। सेवा भारती के सदस्य राजीव शर्मा ने कहा कि आज हवा शुद्धि के लिए आयुर्वेदिक विभाग के सहयोग से हवन यज्ञ धूपन का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण को कम करना है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक विभाग की सलाह पर धूपन में विभिन्न प्रकार की औषधियां डाली गई है, जिससे हवा में शुद्धि करना आएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भी ऐसा हवन यज्ञों का आयोजन अपने घरों में करें। राजीव शर्मा, सदस्य सेवा भारती। वायरस और बैक्टीरिया मान सकते हैं, उन सबको ये समाप्त करके और आरोग्य प्रदान करता है। इसलिए अगर हम घर में भी नियमित रूप से और हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ भी नियमित रूप से इस अपराजिता धूप को करते हैं, इस धूपन को करते हैं, तो ज्वर और अन्य आदत में डाल के इसका उपयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार के जो व्याधियाँ हैं ज्वर से संबंधित उनसे बहुत। वातावरण की शुद्धिकरण के लिए जो है हवन का कार्यक्रम करने जा रही है। यह कार्यक्रम के जो सहयोग से अपना कार्यक्रम ये होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के मद्देनज़र जो है अभी जो ये कोरोना की जो महामारी चली हुई है, यह बीमारी शीघ्र से शीघ्र ख़त्म हो और पूरे के राष्ट्र में जो है अंधकार से जो है अपील करते हैं कि जो है अधिक से अधिक जो लोग जो हैं आज जो है वो हवन करें, जिससे कि अपना ये कोरोना की जो महामारी है शीघ्र अतिशीघ्र जो है पूरे देश से खत्म हो और शीघ्र जो हम लोग जो है प्रकाश में। आपका फैसला टीवी नाहन से जिला ब्यूरो ठाकुर जितेंद्र की रिपोर्ट।